नमस्कार, हम लोग एकमा गांव में हैं। ये गोंडा शहर से 15 किलोमीटर दूर है, बरुआ चक रेलवे स्टेशन के पास। ये गाय है, ये एक फेरल गाय थी, एक छुट्टा गाय जो कि इस गांव में घूमती रहती थी। और बहुत बड़ा घाव था इसके यहाँ पर हम्प के ऊपर, बहुत ही गहरा घाव था। और इस घाव में बहुत ज़्यादा कीड़े पड़े हुए थे, वो सड़ रहे थे। करीब 50 मीटर दूरी से ही सड़ने की बदबू आ रही थी, बहुत ही बुरा हाल था। और लगभग 2 हफ्ते पहले इसने इस बच्चिया को जन्म दिया। और बच्चिया को जन्म देने के 48 घंटे तक ये गाय जो है वो इधर उधर कहीं बाग में कहीं पर छिपी हुई थी, बहुत ही ज़्यादा दर्द में थी। ये इसने 48 घंटे तक अपने बच्चिया को दूध तक नहीं पिलाया। तो हमने फिर इसे करीब 12-13 दिन पहले पकड़ा। बहुत ही मुश्किलों से 2 दिन लगातार हम संघर्ष करते रहे इसको। इसने 2-3 गांव में हम इसके पीछे लगे रहे, फिर जाके अंत में ये हमें पकड़ में आई। और उसके बाद हमने यहाँ पर लाकर इसको बांधा और फिर हमने इसका इलाज शुरू किया। इसके इलाज में हमने कोई एंटीबायोटिक का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि अगर हम एंटीबायोटिक का यूज़ करते तो इसका दूध जो है वो बनना बंद हो जाता और उससे फिर इसके बच्चे को दूध ना मिलता और बच्चे को बचाना मुश्किल हो जाता। तो हमने बिल्कुल प्राकृतिक चिकित्सा करके, हल्दी सरसों का तेल इस्तेमाल करके और कीड़ों को तारपीन के तेल से ख़त्म करके हमने इसका इलाज किया। और काफ़ी हद तक आज घाव जो है इसका सूख चुका है। बहुत ही गहरा घाव था ये, करीब 4-5 इंच गहरा घाव था। और अब इसके शरीर में दूध भी बन रहा है, इसकी बछिया जो है वो दूध पी भी रही है और अब इसकी हालत बेहतर है। तो आपको भी कभी ऐसा जानवर दिखाई दे तो आप उसको बांध लें। बांधने के बाद आप किसी डॉक्टर से संपर्क कर लें, नहीं तो आप हमसे संपर्क कर लें। हम दूर से भी आपको वो विधियां बता सकते हैं जिससे आप इसका इलाज कर लें। और अगर हम आपकी पहुंच में होंगे तो हम स्वयं आकर उसका इलाज करने में हम आपकी मदद करेंगे। लेकिन किसी भी जानवर को छोड़े नहीं, अगर वो घायल है तो उसका उसकी मदद ज़रूर करें। यही आप लोगों से अपील है। धन्यवाद।